ईवे बिल के कई नियमों में सरकार ने ढील दी है। इसका फायदा व्यापारियों को मिला है और उन्हें बड़ी राहत मिली है। उनके लिए ई वे बिल से छूट के दायरे को 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स, एफएमसीजी और कुरियर कंपनियों को भी राहत दी गई है। सरकार ने ई वे बिल में बदलाव कर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सामान भेजने के लिए जारी होने वाले इलेक्ट्रॉनिक रसीद बनाने के लिए जॉब वर्कर्स की नियुक्ति की भी इजाजत दे दी है। 1 अप्रैल से 50,000 रूपये से अधिक का सामान दूसरे राज्य में भेजने पर इलेक्ट्रॉनिक वे यानी ई वे बिल को जरूरी कर दिया गया है। नए नियम से एफएमसीजी कंपनियों को भी राहत मिली है। सरकार ने ई वे बिल बनाते समय केवल टैक्स बिल सप्लाई की कीमत को ही मानने की इजाजत दी है, बेशक वो सामान छूट वाला हो या कर मुक्त सामान की सप्लाई की जा रही हो। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर एक ट्रक पर ऐसे खाद्य उत्पाद जिन पर जीएसटी लगता है और दूसरे उत्पाद जैसे दूध पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन लिए जा रहे हैं, तो केवल फूड प्रोडक्ट्स की कीमत का ही जिक्र ई वे बिल में किया जाएगा। इसके अलावा छोटा व्यापार करने वालों को भी सरकार ने राहत दी है। जो एक ही राज्य में सामान 50 किलोमीटर के दायरे में इधर से उधर भेजते हैं, उन्हें वाहन की जानकारी नहीं देनी होगी, जबकि अब तक ये छूट केवल 10 किलोमीटर तक थी। नए नियम में कहा गया है कि ई वे बिल की वैधता उस दिन आधी रात तक ही रहेगी जो पहले 24 घंटे तक की थी, यानी अगर ई वे बिल 8 मार्च को शाम 3 बजे 100 किलोमीटर के लिए कटा है तो मार्च 9 की आधी रात तक ये बिल वैध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल।